एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल बाजार से सीखो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है और ये हमारी लाइफ से कैसे रिलेटेड है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लोगों की लव लाइफ को भी कैसे डिस्टर्ब कर सकती है। तो ध्यान से सुनिए इस टॉपिक को जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दोस्तों इस यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के इस लॉ को दिया था दोस्तों प्रोफेसर H.H. गॉसन्स ने। उन्होंने कहा कि जब भी किसी कॉमोडिटी को हम बार बार कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमेशा गिरता चला जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि जब किसी चीज़ को हम बार बार कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमेशा गिरता है। इस बात को हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं छोटा सा। हम मान के चलते हैं कि हम लोग एप्पल्स को कंज्यूम कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इस एप्पल से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिर रहा है, इससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन। पहले से 6 मिला, फिर गिर गया 4, फिर 2, फिर 0 और फिर -2। गिरते कहाँ चला गया? नेगेटिव में। एक अच्छा कंज्यूमर वो है जो किसी चीज को वहां पे कंज्यूम करना बंद कर देता है जहां उसकी यूटिलिटी जीरो हो जाती है। मैं अगर किसी चीज को कंज्यूम कर रहा हूं और मुझे लगता है मुझे इससे कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो मैं उस चीज को कंज्यूम करना बंद कर दूंगा। मतलब फोर्थ वाले पॉइंट पे, जैसे यहां जीरो है, जीरो के बाद मैं और कंज्यूम नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं कंज्यूम करता हूं तो मेरा सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव मीन्स हो सकता है शायद जो कंज्यूम करा हुआ है वो सारा का सारा ही बाहर आ जाए। तो इसको हम लोग छोटे से ग्राफ से समझते हैं दोस्तों। यहां पे आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जा रही है। इसी का नाम है दोस्तों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके अलावा प्रोफेसर H.H. गॉसन्स ने भी बताया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। हर जगह, हर शहर, हर इंसान के साथ ऐसा जरूर होता है। मतलब हर इंसान के लाइफ में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और सीवियर इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है। ना केवल एक कंज्यूमर के लिए बल्कि हर इंसान के लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ये लोगों की लव लाइफ को इम्पैक्ट करता है दोस्तों। जब लोग लव लाइफ में आते हैं स्टार्टिंग में, तो उनके पास बहुत बातें होती करने लायक। तो बातें करते हैं 6 घंटे 8-8 घंटे 10-10 घंटे बातें करते हैं, तो अच्छा खासा सेटिस्फेक्शन मिलता है। मान के चलते सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है, खुश है, अच्छी बात है। टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे एक्स्ट्रा कंज्यूम मीन्स एक्स्ट्रा बातें होंगी, वक्त बीतेगा, वैसे वैसे बातें ऑटोमेटिकली कम होती जाएंगी और सेटिस्फेक्शन मिलना कम हो जाएगा। सेटिस्फेक्शन कम हो गया पहले से, थोड़ा और कम हो गया, थोड़ा और वक्त बीतेगा सेटिस्फेक्शन और कम हो गया, फिर थोड़ा और वक्त बीता सेटिस्फेक्शन बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा, अब अच्छा फील नहीं हो रहा है बात करने के बाद भी। बात तो करी लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। थोड़ा और उसके बाद भी जबरदस्ती बात करेंगे तो नेगेटिव मीन्स बस झगड़े होंगे, अब और कुछ नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल है। आप किसी चीज़ को जब बार बार लाइफ में कंज्यूम करते रहेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमेशा नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि सेटिस्फेक्शन हमेशा गिरता है, टाइम के साथ बढ़ता नहीं है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि इसको दिया था प्रोफेसर H.H. गॉसन्स ने। इसलिए इस लॉ को हम लोग गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन के नाम से भी जानते हैं। इस बात को दोस्तों ध्यान रखे चलना। यह था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दोस्तों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की एक्सेप्शंस को जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता। कौन सी चीजें हैं? सबसे पहली चीज का नाम है लिकर। उत्तरी पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, वाह, जितनी मर्जी पिए उतना मजा आता है उन्हें। तो इसमें क्या है जो कहा गया है, लिकर के बारे में लिखा गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, कि इसमें मार्जिनल यूटिलिटी गिरती नहीं है, जितना ज्यादा पेंगे उतनी बढ़ती है, ऐसा कहा गया है, गॉड नोस। दूसरा हमारे पास आता है मनीमाइजर, कंजूस लोग, पैसा बचाने वाले, वो जितना ज़्यादा सेव करेंगे उन्हें लगता है जितना ज़्यादा बचा लेते हैं, जितनी ज़्यादा कंजूसियत कर लेते हैं उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, वाह, अजीब लोग हैं। तीसरा आता है दोस्तों हमारे पास रीडिंग, ये किताबी कीड़े, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा लगेगा, वाह भाई वाह, कुछ भी हो सकता है। चौथा आता है दोस्तों हमारे पास हॉबीज, हॉबीज़ में कुछ भी ले लीजिए आप, डांसिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, कोई भी हॉबी आप ले सकते हैं। जितना ज़्यादा आप उस हॉबी को परफॉर्म करेंगे, डांस करें तो करते रहेंगे उतना अच्छा लगेगा, गाना करें गाते रहो उतना अच्छा लगेगा। ये हमारे कुछ एक्सेप्शन है दोस्तों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर लॉ हमारा अप्लाई नहीं होता। दीज आर कॉल्ड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा कंज्यूमर इकोनॉमी इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। क्या होता है, सिंगल कॉमोडिटी कंज्यूम करेंगे और अपने कंज्यूमर इकोनॉमी को डिटरमाइन करेंगे, वो पॉइंट जहां मिलता है मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड टू योर यूट्यूब चैनल बाजार से सीखो।